इसका फाइव दिया है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, ये कहां तक कर रहा है, टू एन टर्म्स तक का यहाँ पे सम। एक काम करो, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, वह जगह 0.1 0.11 0.111 टू एन टर्म्स तक है। अब इसमें 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, 0.9 0.99 0.999 ऐसे करके टू एन टर्म तक का ये सम। चलिए देखते हैं अब क्या करते हैं, 6/9 अंदर देखिए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0.1 का पावर 1, फिर यहाँ पे 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 माइनस 0.1 का क्यूब, ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा टू एन टर्म्स तक का सम, एन टर्म्स तक का सम। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अलग अलग इसमें कर लेते हैं, तो अंदर हो जाएगा देखिए, बाहर 6/9 रहेगा, अंदर हो जाएगा ये 1 1 1 1 1, ये कहाँ तक, एन टाइम्स है, एन टर्म्स तक है, ठीक है। अच्छा और इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ देखो आ जाएगा 0.1 का पावर 1 0.1 का पावर 2 0.1 का पावर 3, ऐसे करके कहाँ तक है, ये एन टर्म्स तक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, 6/9 अंदर यहाँ पे हो जाएगा एन इंटू में 1, अच्छा माइनस यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म यानी 0.1 इंटू में आर का वैल्यू है 0.1, यहाँ अंदर हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.1 का पावर n और पाई में 1 माइनस का 0.1, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद आके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 6/9 अंदर हो जाएगा n माइनस का 0.1 और बाई में आ जाएगा 0.9, ठीक है, और अंदर हो जाएगा आपका 1 माइनस का 1/10 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, 6/9 अंदर है आपका n माइनस, ये 1/9 हो जाएगा, पॉइंट हटा देगा दो जगह से, और अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1/10 का पावर n, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट